सबसे बड़े जो हैं हमारे जो मेन जो हैं इस समय, जो कि गोभी जी के कैंपेन में बड़ा फर्क है 2014 और 2019 में। 2014 का कैंपेन और 19 का काफी स्टार्क डिफरेंस है। 2014 का कैंपेन अगर हम देखें उनका टिंडर प्रोफाइल हम 2014 का देखते हैं कि वो किस तरह से आपको ना वो कर रहे थे, तो ये उनका टिंडर प्रोफाइल था 2014 में। बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने एक इमेज बनवाया था ऐसा ना, हम बड़े प्यारे से हैं, क्यूट से हैं, टेडी बेयर टाइप हैं ऐसे। और उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक बायो भी लिखवाया था अपना प्रसून जोशी से, राइम में था, एकदम प्रॉपर राइम में था। 2 करोड़ जॉब लाए लाए, मंदिर वहीं बनाए बनाए, 15 लाख आए आए, आर्टिकल 370 जाए जाए, बाकी सब धाएं धाएं, और सबसे बड़ी है गाएं गाएं। ये उनका बड़ा प्यारा सा ऐसा सा अट्रैक्टिव सा बायो था उस समय का। इसमें एक दो बार 2 करोड़ जॉब आए हैं, बिल्कुल आए हैं गौरक्षक, 15 लाख आए हैं मेरे अकाउंट में तो आए हैं, ट्विटर अकाउंट में गालियां, बाकी वादों के धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये 2014 का उनका कैंपेन का पूरा एक वो था, फेस था। 2019 का कैंपेन देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है। ये हालत हो गई है 2019 में, विवेक ओबेरॉय के नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं। विवेक ओबेरॉय के नाम पे उसके मोहल्ले का किराने वाला आपको 5 रुपए की ऋण की टिकिया उधार में नहीं देगा। उसके नाम पे वोट मांगने की कोशिश हुई, इलेक्शन कमीशन ने फिल्म देखी, बोला ये मत रिलीज करो आपका नुकसान हो जाएगा। तो भी रोक ली उन्होंने। ये फिल्म का ट्रेलर आपने देखा होगा, उसमें एक बहुत फेमस लाइन जो बहुत मीम हो गया है उसका, मेरा गुजरात जल रहा है, लाइक नाथूराम गोडसे सेइंग मेरा गांधी मर रहा है। और बायो जो है, अब बायो उतना लंबा पोएटिक बायो अब सिमट के एक लाइन पे आ गया है, और ऑप्शन ही क्या है मित्रों। और वो मतलब ऐसे ऐसे चीजें मेरे पास लिस्ट है क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। मैं लिस्ट मतलब आई जस्ट रेफर टू माय नोट्स बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी बक दूं। मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ हूं। कुछ भी बोलते हैं ही इज जस्ट मतलब ऐसे लाइफ के मंत्र दे दिए उन्होंने अनजाने में। वो कुछ भी बोलते हैं, वो गए कनाडा, उन्होंने कनाडा में एक बात बोली थी जो मेरे जीवन का मंत्र हो गया है। उन्होंने कहा था इंडिया एंड कनाडा आर द 2AB इन द फॉर्मूला ऑफ a+b² a+b ((2)). आप उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b², और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b². ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। He said that India and Canada are the 2ab in the formula of a+b². कितने लोगों को ये पता ही नहीं है a+b² का कोई फॉर्मूला होता है? कोई है यहाँ JNU वाला कोई? कोई? नहीं? सबने मैथ साइंस पढ़ा, a+b² a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है। मोदी जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ गए और उन्होंने कहा इंडिया एंड कनाडा आर द 2ab इन द फॉर्मूला ऑफ a+b². ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी बाथरूम जाते हुए, नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे गए बुड़ 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 रंगीन बिल्ली रंगीन बिल्ली, कुछ भी बोल दी, ऐसा नहीं है ना अमित शाह वॉचिंग, ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जॉन एलिया की एक दो लाइनें हैं जी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जॉन साहब की लाइन है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मेरे फोन को हैक करने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे फोन में मीम्स के सिवा कुछ भी नहीं। यूपी में फरुखाबाद नाम की जगह है, वहां पे हुकुम सिंह नाम के एक बंदे का बैंक अकाउंट था SBI में।
और एक और हुकुम सिंह उसी डिस्ट्रिक्ट में था, एसबीआई में उसका अकाउंट था। समहाउ दोनों हुकुम सिंह के बैंक अकाउंट फ्यूज हो गए। एसबीआई में लंचार में ऐसा हो सकता है। हो गया, बस हो गया। उसमें एक हुकुम सिंह पैसा डाल रहा है, वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो निकाल रहा है। ये डाल रहा है, वो निकाल रहा है। बहुत देर में जब पता चला, वो हुकुम सिंह से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगा पैसे कहां से आ रहे हैं? बोला मुझे लगा मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए थे वो दे रहे हैं। इस आदमी का भोलापन मैं वारी जाऊं। उसको लगा मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए हैं वो ऐसे 200, 250, 500 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मोदी जी वो 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी हैं जो दिहाड़ी में रिक्शा चला रहे हैं और सोच रहे हैं आज 200 मिला है, आज 200 ही दे देते हैं हुकुम सिंह को। कुछ तो बेचारा वेट कर रहा वहां पे, आज कोई नहीं, आज 272 रुपया ही हम दे देंगे। लेकिन वो दूसरे हुकुम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को क्या लगा तेरे पैसे कहां जा रहे हैं भाई। फाइनली जब पूछा गया वो बोला मुझे लगा नेहरू जी निकाल रहे हैं। प्लीज ये अच्छा था, अच्छा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम वाटर कैनन मारोगे, हम धान रोपते जाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है, जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम भेदभाव के चालक तो हम संविधान के बालक हैं, तुम खिलजी हिटलर तुगलक तो हम एक बच्चे की गुल्लक हैं। जो गुल्लक बाहर माटी है, जो गुल्लक अंदर चांदी है, तुम गुम्मा लोहा लाठी तो हम भीमराव और गांधी हैं। तुम वाटर कैनन मारोगे, हम धान रोपते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम प्रेम से लैस हो जाओगे, हम देखेंगे गाओ ना गाओ खुदे फैज हो जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम प्रेम से लैस हो जाओगे, हम देखेंगे गाओ ना गाओ खुदे फैज हो जाओगे। उस दिन की आस में हम पागल चुपचाप से चलते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। जय हिंद, जय भीम।